मेरे प्यारे देशवासियों, कोरोना वैश्विक महामारी के बीच 130 करोड़ भारतीयों ने संकल्प लिया, संकल्प आत्मनिर्भर बनने का, और आत्मनिर्भर भारत आज हर हिंदुस्तान के मन मस्तिष्क को में छाया हुआ है। आत्मनिर्भर भारत ये सपना संकल्प में परिवर्तित देख रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत ये एक प्रकार से शब्द नहीं, ये आज 130 करोड़ देशवासियों के लिए मंत्र बन गया है। आजाद भारत की मानसिकता क्या होनी चाहिए? आजाद भारत की मानसिकता होनी चाहिए वोकल फॉर लोकल। हमारे जो स्थानीय उत्पाद है उसका हमने गौरवगान करना चाहिए। दुनिया भर के अनेक बिजनेस भारत को सप्लाई चेन के केंद्र के रूप में आज देख रहे हैं। अब हमें मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर वर्ल्ड ये मंत्र को लेकर के भी हमें आगे बढ़ना है। 1000 दिन के अंदर अंदर देश के 6 लाख से अधिक गांव में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क काम पूरा कर दिया जाएगा। अंडमान निकोबार को भी चेन्नई और दिल्ली जैसी इंटरनेट सुविधा अब उपलब्ध होगी। अब हम आगे लक्षद्वीप को भी इसी तरह जोड़ने के लिए काम को आगे बढ़ाने वाले हैं। अगले 1000 दिन में लक्षद्वीप को भी तेज इंटरनेट की सुविधा से जोड़ने का हमने लक्ष्य रखा है। आज से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, उसका भी आरंभ किया जा रहा है। भारत के हेल्थ सेक्टर में ये एक नई क्रांति ले आएगा। कोरोना बड़ी विपत्ति है लेकिन इतनी बड़ी नहीं कि आत्मनिर्भर भारत की विजय यात्रा को रोक पाए। और भारत में एक नहीं, दो नहीं, तीन वैक्सीन उसके टेस्टिंग के अलग अलग चरण में है। वैज्ञानिकों से जब हरी झंडी मिल जाएगी बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होगा और उसकी तैयारियां भी पूरी तरह रेडी हैं, और तेजी से प्रोडक्शन के साथ वैक्सीन हर भारतीय तक कम से कम समय में कैसे पहुंचे उसका खाका भी तैयार है, उसका रूपरेखा भी तैयार है। जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन का काम चल रहा है और जल्दी से डिलिमिटेशन का काम पूरा होते ही भविष्य में वहां चुनाव हो, जम्मू कश्मीर के एमएलए हो, जम्मू कश्मीर के मंत्रीगण हो, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्रीगण हो, नई ऊर्जा के साथ विकास के मार्ग पर आगे बढ़े, इसके लिए देश प्रतिबद्ध भी है और प्रयासरत भी है। भारत पूरी तरह संवेदनशील है। अब आने वाले दिनों में एशियाटिक लायन प्रोजेक्ट लायन की शुरुआत हो रही है। साथ ही एक और काम को भी हम बढ़ावा देना चाहते हैं और वो है प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाया जाएगा। भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरा देश एक जोश से भरा हुआ है। एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। इस दशक में भारत नई नीति और नई रीति के साथ ही आगे बढ़ेगा। एक नए प्रभात की लालिमा, एक नए आत्मविश्वास का उदय, एक नए आत्मनिर्भर भारत का शंखनाद। जय हिंद, जय हिंद।